हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे कढ़ी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर बेसन। तो बेसन मैंने यहाँ पर एक कटोरी लिया है और एक कटोरी मैंने दही लिया है। दही जो मैंने यूज़ किया है वो घर का फ्रेश दही लिया है। आप चाहें तो आप मार्केट का दही भी यूज़ कर सकते हैं। दही और बेसन मैंने यहाँ पे दोनों एक एक कटोरी लिए हैं। आप इनकी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना भी आपको बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी रख सकते हैं। और अब हम इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हमें इन्हें तब तक मिक्स करना है जब तक हमें कोई भी लम्स ना आए। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। मुझे मेरा बैटर थोड़ा थिक लग रहा था तो मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे। तो अब हम कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा तेल। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से कड़ी पत्ते। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच जीरा, एक चम्मच राई और एक चम्मच मेथी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, क्योंकि हम हरी मिर्च की कढ़ी बना रहे हैं तो हरी मिर्च डालना तो इम्पॉर्टेंट है ही। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी हल्दी। अगर आप मसाले की कढ़ी बनाना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पर मसाले भी ऐड कर सकते हैं। और जो घोल हमने बनाया था वो अब हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह से चलाते हुए इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी कढ़ी ना थोड़ी थिक हो रही है, तो मैं इसमें ना आधा लीटर पानी और ऐड कर दूँगी। वैसे तो हम सभी को पता है कि कढ़ी को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। और लो फ्लेम पर पकाने से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अब हम हमारी कढ़ी को पकने देते हैं। जब तक हमारी कढ़ी पक रही है तो हम इसमें डालने के लिए पकौड़े की तैयारी करते हैं। तो पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर बेसन। और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच दही। मैंने यहाँ दही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किया, आप चाहे तो और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाते हुए हम इसका एक अच्छा बैटर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी। हमें इस टाइप की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है पकौड़े बनाने के लिए। और लास्ट में अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक चम्मच नमक और थोड़ी सी धनिया। और अब हम 5 मिनट के लिए हमारे पकौड़े के बैटर को रेस्ट पर रखेंगे। तब तक के लिए हम हमारी कढ़ी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी अच्छी तरह से पक चुकी है। मैंने यहाँ पे अपनी कढ़ी में एक प्लेट डाली हुई थी ताकि ये ऊपर ना आए और गिरे ना, तो आप भी अपनी कढ़ी में प्लेट डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी की कंसिस्टेंसी। हमें इस टाइप की कंसिस्टेंसी हमारी कढ़ी में चाहिए होती है। और अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। और अब हम इसे हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे तेल को, और फिर हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। और अब हम हमारे पकौड़े तब तक डीप फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाए। आप देख सकते हैं हमारे जो पकौड़े हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और अब हम सेकंड बैच के पकौड़े भी सेम ऐसे ही फ्राई करेंगे। और अब हम इन सभी पकौड़ों को हमारी कढ़ी में डाल देंगे। और लास्ट में हम हमारी कढ़ी में दिए की छौंक लगाएंगे। दिए की छौंक लगाने की सबसे पहले हम हमारे दिए को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे। तो उसमें हम एक चम्मच तेल डालेंगे। और फिर हम लास्ट में दिए में जीरे, राई, मेथी, हींग और कड़ी पत्ते, इन सभी चीज़ों को दिए में डालकर 1 मिनट तक हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से तड़का लेंगे। फिर हम इसका कढ़ी में छौंका लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।